नमस्कार, एवन टीवी के विशेष कार्यक्रम कीर्तिशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन और आज हम उस शख्स को याद करेंगे जिसने हिंदी गजल को दिया है शानदार मुकाम। कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। वो एक ऐसे कवि थे जिनके अंदाज पर आज भी फिदा हैं देश और दुनिया के तमाम लेखक और कवि। जी हाँ, आज हम कीर्तिशेष में याद करेंगे महान कवि दुष्यंत कुमार को। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। एक ऐसा कवि जिसने आम लोगों की जुबान में बात की, एक आम सी शायरी की, तरीका इतना सरल सहज जिसे महसूस किया जा सके, आवाज इतनी बुलंद जो लाखों लहू की नसों में उबाल ला सके। जी हाँ, अपने इरादों को ऊंची उड़ान देने वाला सिर्फ एक ही नाम है और वो है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत के लेखन और जीवन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी और कवि लोकेश कुमार साहिल जी। हम सभी जानते हैं कि अनिल जी की पहचान राजनीतिक विश्लेषक की है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि वो एक उम्दा कवि भी हैं। उनकी कविताओं के संग्रह आग का पेड़ का प्रकाशन भी हो चुका है। आज वो हमारे साथ कवि हृदय के रूप में हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं चंद शब्दों में दुष्यंत का जीवन परिचय आपके सामने रख दूं। दुष्यंत कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में 1 सितंबर 1933 को हुआ था। उनका पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने के कुछ दिन बाद आकाशवाणी भोपाल में असिस्टेंट प्रोड्यूसर रहे। दुष्यंत वास्तविक जीवन में बहुत सहज और मनमौजी व्यक्ति थे। 30 दिसंबर 1975 को मात्र 42 वर्ष की आयु में वो दुनिया को अलविदा कह गए। अनिल जी, मैंने बहुत कम शब्दों में उनके बारे में कहा, हालांकि बहुत ज्यादा कहा जा सकता है। आप किस तरह, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछूंगी, किस तरह याद करेंगे दुष्यंत को, उनको समय का शायर क्यों कहा गया? देखिए, कविता को भाषा में बांधना गलत होता है। गजल उर्दू की बात नहीं है, हिंदी की बात पहले भी थी, लेकिन गजल को उन्होंने आम आदमी की व्यथा को अभिव्यक्त करने का माध्यम बनाया। ऐसा मेरी समझ में किसी शायर ने, किसी कवि ने पहली बार इतने व्यापक तरीके से किया। इश्क, हुस्न, प्यार, सौंदर्य, इसकी गजलें तो होती रही, लेकिन गजल में आम आदमी की व्यथा को, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो कहीं और चलें उम्र भर के लिए। तो वो इस तरह का, इस किस्म का शायरी का जो अंदाज था उनका, उसने उनको समय का शायर जो किताब हम दे रहे हैं वो इसीलिए वो दे पाते हैं कि उन्होंने जो सन 74 और उससे पहले की जो ज़मीनी हकीकत थी समाज की, देश की, नौजवानों की खास तौर पर, जो उत्पीड़न था, असंतोष था, व्यापक रूप से परेशानियां समाज में बढ़ रही थी, समाज एक नई करवट ले रहा था जी। उन सारी बातों को उन्होंने अपने लफ्ज़ों में, शायरी में बांध के पेश किया और इतने सरल तरीके से पेश किया। उर्दू भी शामिल की, हिंदी भी शामिल, खुद अपने जो उनका ऐसे बहुत कुछ लिखा उन्होंने, लेकिन साये में धूप उनका सबसे पॉपुलर गज़ल संग्रह है जिसको लोग, बहुत लोगों ने कंटेस्ट कर रखा है। आप नेताओं के भाषणों में, छोटे कॉलेज के लिए बच्चों से लेके बड़े तक भाषणों में, हो कहीं भी मेरे सीने में आग जलनी चाहिए, बहुत सारी बातें ऐसी ना भाषणों में होती है। हाँ। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, स्पीच में चाहे स्कूल कॉलेज हो या नेताओं, सब जगह बोलते हैं। उन्होंने उर्दू हिंदी के बीच की दीवार कहें या दरार कहें जो भी थी, वो उसको पाट दिया उन्होंने और गजल को एक भाषा की जो धरोहर मानते लोग, वो नहीं रखा, उससे बाहर निकाल के लाए और उन्होंने बहुत सारे उर्दू के शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन उस तरह इस्तेमाल किए कि वो हिंदी में बोलने वाले जिस तरह उनको इस्तेमाल करते थे। इसका उन्होंने संकोच भी अपना व्यक्त किया प्रस्तावना में, साये में धूप में, और लोकेश जी भी कहेंगे। और उन्होंने बार बार ये कहा कि मैं शहर को ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, वैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि नगर नहीं लिख सकता गजल में, लेकिन उर्दू के लोग नाराज हैं, पर मैं फिर भी ऐसे लिख रहा हूँ जिस तरह आम आदमी उसको समझता है, आम आदमी इसको बोलता है जी। तो लोकेश जी हमारे साथ हैं। लोकेश जी, उन्होंने साये में धूप जो सबसे उम्दा मैं उनका संग्रह मानता हूँ मेरी दृष्टि में,
और भी बहुत सी बातें उन्होंने, बहुत सारी रचनाएं रखी, लेकिन आम लोगों तक जिस बात ने उनकी पहचान बनाई व्यापक तौर पर और बुलंदी के साथ, वो साए में धूप मुझे लगती है। उसमें उन्होंने कमलेश्वर का जिक्र किया। कमलेश्वर बहुत बड़े कथाकार और बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े संपादक हुए, और कमलेश्वर का जिक्र करते हुए कहा कि वो नहीं होते तो ये सफर यहां तक नहीं पहुंचता। और उसके आगे उन्होंने एक शेर लिखा है, उसमें मैं वो दोहराना चाहता हूं यहां पर। हाथों में अंगारे लिए सोच रहा था, कोई मुझे अंगारों की तासीर बताए। लोकेश जी, ऐसा कमलेश्वर के लिए उन्होंने क्यों कहा? देखिए, जितने भी लिखने पढ़ने वाले लोग हैं सब उस बात को जानते हैं अनिल जी, के जो काम तुलसीदास के लिए रामचंद्र शुक्ल ने किया वही काम कमलेश्वर ने किया दुष्यंत के लिए। और वो किया ऐसे कि सारिका का विशेषांक पूरा दुष्यंत पर निकाला उन्होंने, और उस विशेषांक से पूरे देश को, दुनिया को ये मालूम चला कि दुष्यंत की साहित्यिक हैसियत क्या है। जी, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि दुष्यंत का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन क्या है, तो मैं आपको निवेदन करूं कि हम साहित्यकार लोग, एक थोड़ा कर्कश रूपक आपके सामने रखता हूं, मैं अक्सर कहता हूं इस बात को कि साहित्य हमारे सर का ताज है और राजनीति हमारे पैरों की जूती है, लेकिन कई बार सर का ताज जब खतरे में होता है तो पैरों की जूती को हाथ में लेना पड़ता है। और दुष्यंत वो पहला कवि है हिंदुस्तान का जिसको अपने राजनीतिक तेवरों के लिए याद रखा जाएगा, कविता में राजनीतिक तेवर के लिए, उसके पहले राजनीतिक तेवर, बिल्कुल उसके पहले उस तरीके से साहित्य में पॉलिटिकल और सियासी तेवर जो थे वो वैसे नहीं थे। अंग्रेजों के जमाने में दिनकर के बात आती थी, वो एक फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट था, फ्रीडम फाइटर मूवमेंट था, वो एक दूसरा खेल है पूरा। लेकिन इस तरीके से व्यवस्था विरोधी शायरी करना और आजाद भारत में सीधे सीधे राजनीतिक परिपेक्ष में शायरी करना, ये दुष्यंत का एक बड़ा काम है और इसके लिए उनको हमेशा याद रखा जाएगा। जी, मैं राखी जी कहना चाहता हूँ कि उनके जो भी शायरी जितनी मैंने पढ़ी है मैं उसे तीन हिस्सों में बांटता हूँ। एक वो जो उन्होंने समय के विद्रूप को सामने रखा, वो सन 74, 72, 73 का जो असंतोष से भरा हुआ वातावरण, जेपी मूवमेंट से भरा हुआ वातावरण, आंदोलन से भरा हुआ वातावरण, उसके विद्रूप को सामने रखते हैं। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा, ऐसी गजल जिसमें आम आदमी की स्थिति को स्पष्ट भी करते हैं, समय के विद्रूप को सामने रखते हैं। मैं एक खंड इससे मानता हूँ, दूसरा खंड इससे मानता हूँ कि वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन के कवि नहीं है, वो आवाज बनते हैं, वो आवाज बनते हैं, आवाज देते हैं देश को, नौजवानों को आवाज देते हैं। कौन कहता है क्या आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। मैं तो थोड़ा सा इसलिए कि राजनेता इसको इस तरह बोलते हैं इसलिए मेरी जुबान में वो चढ़ गया, लेकिन कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो वो प्रेरणा भी देते हैं, आवाज भी देते हैं देश को, ऐसा करके दिखाओ। तो वो फ्रस्ट्रेशन का एक अभिव्यक्ति का एक है उनका जी, देश को आवाज देने का, समाज को आवाज देने का, प्रोत्साहन देने का, प्रेरणा देने का एक अलग है। और तीसरा उनका मैं समझता हूँ ऐसा है दौर जिसमें वो उनकी प्रेम कविता भी है, उनकी अपने आप को लेके कुछ अभिव्यक्ति भी है, और उनके जीवन का कुछ दर्द भी उसने उकेरा है। तो वो तीन हिस्सों में मैं इसे बांट के देखता हूँ। पहले हिस्से में समझता हूँ उनकी फ्रस्ट्रेशन की अभिव्यक्ति को हमको सामने रखना चाहिए कि वो दौर था जो मैंने अभी पढ़ा था, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं, वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून सिखलाने लगे हैं। वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून सिखलाने लगे हैं। तो ये ऐसी गजलों का वो दौर था जिसमें उन्होंने अपने समय की के दर्द को उकेरा और फ्रस्ट्रेशन को जाहिर किया। तो लोकेश जी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि दुष्यंत ने गजल को कथनी, करनी और क्रांति बना दिया, आप क्या कहेंगे? आंशिक रूप से बात सत्य है, पूरी तरह नहीं। दुष्यंत ने भी वही काम किया जो हर अपने दौर के साहित्यकार को करना चाहिए। दुष्यंत ने उसमें एक, मैंने अभी निवेदन किया कि पॉलिटिकल तेवर उन्होंने शामिल किए, लेकिन ये बात जोड़ता चलूं मैं यहाँ पर, वो साहित्य किसी मकसद का नहीं है अगर उसके सामाजिक सरोकार ना हो। और मैं अक्सर कहता हूँ उस बात को कि उस दौर को अगर आप याद करें जिन्होंने वो दौर देखा है, इमरजेंसी और उससे पहले का दौर, पूरे भारत के सामाजिक और राजनीतिक वातावरण में एक अजीब सी कुंठा, एक अजीब सा संतरास था,
उसको आवाज मिली दुष्यंत की शायरी के रूप में और अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर के रूप में। जी। उसके पहले राजेश खन्ना का वो रोमांटिक दौर जो था 4 साल, उसको अचानक एक ब्रेक दिया गया। अमिताभ बच्चन से पहले सुनील दत्त ने भी बहुत रोल किए हैं। जी। मदर इंडिया का रोल है, मुझे जीने दो का रोल है, जहां सुनील दत्त एक एंग्री यंग मैन की तरह आते हैं सामने, लेकिन अमिताभ को लोगों ने एंग्री यंग मैन का टैग दिया, किसी और को नहीं मिला वो टैग, हालांकि वैसे रोल पहले फिल्मों में हो चुके थे। तो उस समय देश का जो माहौल था उसमें बाबा नागार्जुन और दुष्यंत, इन लोगों ने जिस तरीके से कविता को अपना हथियार बनाया, जेपी की संपूर्ण क्रांति में सभाओं में इन कविताओं को गाया जाता था, संवेद स्वर में इनका पाठ किया जाता था, लोगों को अपनी आत्मा को आवाज देने का एक टूल मिला दुष्यंत के रूप में, और वो हाथों हाथ लिए गए। फिर वो भी उस समय के कवियों में धूमिल भी जैसे थे, मुक्तिबोध थे, तो वो एतुकांत कविता के थे, लेकिन ये जो शायरी ये बंद वाली, ये छंद वाले कवि, छंद वाले कवियों में वो दुष्यंत कुमार ने जबरदस्त उन्होंने काम किया। मैं यहाँ पे ये जो मैंने शुरू में उनका एक शेर रखा था कि ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा, यहाँ पर तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा। हम बात कर रहे हैं महाकवि दुष्यंत कुमार पे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल लोढ़ा जी और लोकेश कुमार साहिल जी। ब्रेक पे जाने से पहले उनके गजल पे, कविताओं पर हमने बात की, चर्चा शुरू करते हैं। उससे पहले मैं खुद दुष्यंत कुमार की आवाज में उनकी गजल, उनका जो संग्रह साए की धूप में से कविता आपको सुनवाती हूँ। खड़े हुए थे अलावों की आंच लेने को, सब अपनी अपनी हथेली जलाकर, दुकानदार तो मेले में लुट रहे यारो, तमाशबीन दुकाने लगा के। अनिल जी और लोकेश जी, हम बात कर रहे हैं लोकेश कुमार साहिल की, उनकी कविता है कि दुकानदार तो मेले में लुट गए यारो, तमाश बिन दुकाने लगा के बैठे हैं, और साए के धूप के बारे में आप लोगों ने बहुत सारे जिक्र किए, अब आगे क्या बात करेंगे बताएं। यही गजल है, कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे शाम सराहने लगा के बैठ गए, जले जो रेत में तलवे तो हमने ये देखा, बहुत से लोग वहां छटपटा के बैठ गए, दुकानदार तो मेले में लुट गए यारो, तमाशबीन दुकाने लगा के बैठ गए, लहू लुहान नजारों का जिक्र आया तो शरीफ लोग उठे दूर जाके बैठ गए। क्या बात कही, क्या उन्होंने अपने समाज में किया, लोग उठे दूर जाके बैठ, यानी कि जो शरीफ कहते हैं अपने आप को, वो क्रांति से और दूसरी जगह, उन पर क्या उन्होंने तंज कसा है। और उनकी गजल की सबसे बड़ी, वैसे हर गजल की खूबसूरती यही होती है कि हर शेर अपने आप में मुकम्मल बात होती है, मुकम्मल कविता होता है पूरी। और इनकी खासियत यह है कि अचानक वो एक दिशा में बात कहते कहते दूसरे शेर में दूसरी दिशा में बात कहने जाते हैं। अब कितनी कोमल सी बात है, कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिराने लगा के बैठ गए, और फिर शरीफ लोग उठे दूर जाके नजारों का जिक्र आ जाता है, ये तेवर भी इसी में है, और दुकानदार तो मेले में लुट गए यारो, तमाशबीन दुकाने लगा के बैठ गए। कितनी बड़ी बात इस आज के लोकतंत्र को लेकर, आज की राजनीति को लेकर उन्होंने कही है। और उन्होंने ये भी कहा कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी व्यक्तिगत आलोचना है, और हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, अब शौक से डूबे जिसे भी डूबना है। ये देखिए आप डेमोक्रेसी में उन्होंने आज की राजनीति में क्या तंज कसा है। आज भी ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, ऐसा लगता है आज का मिसरा है। हाँ बिल्कुल, चाहे वो इंदिरा गांधी का युग हो, चाहे मोदी का युग हो, आज भी वो मौजूद लगती है। देखिए वो कैसे कैसे बात कहते हैं, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने, ये एक लाचारी की स्थिति, कितना लाचार है आदमी की बाढ़ की संभावनाएं सामने और नदियों के किनारे घर बने, इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है जिस तरह टूटे हुए आईने हैं। क्या बात कही इन्होंने, आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, आजकल तो पांव कीचड़ में सने, आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पांव कीचड़ में सने, अब कहां से कहां बात को ले जाते हैं वो। तो इसलिए, और इसी में इसी गजल का एक शेर है, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी, हम झुंझुने, आज जो लोग बजते हैं ना हजारों की लाखों की भीड़ में, सब झुंझुने की तरह बज रहे हैं लोग, नारे लगाती भीड़, उस पर क्या तंज कसा, क्या बात कही है दुष्यंत कुमार ने, कि वो मानो जैसे आज खड़े होकर की कविता कह रहे हो। तो इस तरह मैं, और उनकी जो गजल है, जो पहला मैंने कहा था कि जो देश के बारे में, समाज के विद्रूप के बारे में उन्होंने लिखा, उसमें उनके दो पॉलिटिकल शेर में आपको नजर करना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी का जमाना था और जेपी मूवमेंट था, इन दो शेर में उन्होंने इंदिरा गांधी को और जेपी को दोनों की परिभाषा सामने रख दी दो शेर में। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर यह तमाशा देख कर हैरान है,
एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। आज शायर यह तमाशा देखकर हैरान है। और फिर जेपी में उन्होंने कहा, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। क्या बात कही, इस अंधेरी कोठरी में एक रोशन, दोनों चरित्र सामने खड़े कर दिए। दो 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 शेर में दो चरित्र सामने खड़े कर दिए, बोलते हैं शब्द चित्र बना दिया बिल्कुल। और कल नुमाइश में मिला था चीतड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला हिंदुस्तान है। और इसी गजल के दो शेर हैं, मैं चाहता हूं कि जरूर से हम दर्शकों को सुनवाएं। जी जी। सामान कुछ नहीं है फटेहाल है, मगर झोले में उसके पास कोई संविधान है। संविधान की आज लोग चर्चा करें, संविधान बचाओ संविधान बचाओ, क्या बात कही उसने। सामान कुछ नहीं है फटे हाल है मगर, ये आम आदमी देश का क्या बात है। सामान कुछ नहीं है फटे हाल है मगर, झोले में उसके पास कोई संविधान है। उस सिर फिरे को यो नहीं बहला सकेंगे आप, पैरों तले उस सिर फिरे को यो नहीं बहला सकेंगे आप। वो आदमी नया है मगर सावधान है, वो आदमी नया है मगर सावधान है। देखे हैं हमने दौर कोई अब खबर नहीं, देखे हैं हमने दौर कई अब खबर नहीं, पैरों तले जमीन है या आसमान है। वाह कितनी बड़ी बात, वाह कहां ले गया कविता को आदमी, कि हमने कई दौर देख लिए, अब खबर नहीं है इस बात की पांव के नीचे जमीन रही है आसमान है। तो बहुत बड़ा बड़ा शायर था। और उसमें आखिरी शेर एक मैं कहना चाहता हूँ, इसी गजल में था, वो आदमी मिला था मुझे उसकी बात से ऐसा लगा कि वो भी बहुत बेजुबान है। क्या बात, बात से बेजुबान लगा वो, क्या बात है, मतलब उसने बात कह भी दी और फिर बेजुबान है, कितना कंट्रास्ट, उसकी निरीहता किस तरीके, निरीहता को व्यक्त किया। तो ये दुष्यंत कुमार की खासियत थी। और इसमें एक और मैं गजल यहाँ पे राखी देना चाहता हूँ। गूंगे निकल पड़े हैं जुबां की तलाश में, गूंगे निकल पड़े हैं जुबां की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए, आज भी सरकार है तब भी सरकार थी 74 में भी। तो ये शेर देखिए, गूंगे निकल पड़े हैं जुबां की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए, और उनकी अपील है कि हम उन्हें मदद करें, उनकी अपील है कि हम उन्हें मदद करें, चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। क्या शेर का है जी। चलिए हम चर्चा करते रहेंगे इसी, उनकी जो गजलें हैं उनको कई लोगों ने अपने तरीके से पेश भी किया है, और कुमार विश्वास तो इस चीज के लिए जाने भी जाते हैं, उन्होंने उनकी कई गजलों को गाया है। अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं थोड़ा सा उनकी आवाज में भी आपको मैं एक गजल सुनवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम उस बात को जिस को लेके चले उसको कंप्लीट करें। उसके दो दो शेर ऐसे हैं उम्दा जो उनके उस युग की को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे कारगर शेर हैं। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते कैसे, गाते कैसे लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे उम्दा शेर है वो ये है, वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जब बहुत अच्छा है। मुझे कितना सच्चा शेर है, वो सलीबों के करीब आए तो हमको जब कायदे कानून समझाने लगे। दूसरी गजल एक छोटी सी, बहुत छोटी बहर की गजल है, ये जुबां हमसे सी नहीं जाती, जिंदगी है कि जी नहीं जाती, वो बिहारी किसान सच निकला, हर सड़क मधुबनी नहीं जाती, मुझको ईसा बना दिया तुमने, अब शिकायत भी की नहीं जाती। सलीब टांग दी मेरे ऊपर, ईसा कह दिया मेरे को, शिकायत नहीं करता, क्रूसीफाइड कर दिया। जी जी अनिल जी, आपने कहा था हम तीन खंडों में रखेंगे दुष्यंत कुमार के लेखनी को। हमने बात की, उन्होंने लोगों का आह्वान किया वो कमजोर की आवाज बने, लेकिन कहीं ना कहीं जो गजल कविता है वो प्रेम के बिना, सौंदर्य के बिना, इनके बिना भी कहीं ना कहीं अधूरी होती है। तो क्या उन्होंने इस पहलू पे भी कुछ कहा है खास? नहीं, लेकिन वो बात तो वो जो दूसरा दौर था जिसमें उन्होंने आह्वान किया जी, उसकी दो चार मिसरे होने जरूरी है। हाँ बिल्कुल, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो जा रहा हूँ। और एक उन्होंने गजल कही थी, इस नदी की धार पे ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। क्या उन्होंने मतलब जो टकराते हैं पॉजिटिविटी का संदेश, हाँ, संदेश दिया एक माना जिजीविषा को जागरूक करने का। और उसी में लिखा उन्होंने, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, अच्छा और कुछ हो ना हो आकाश की छाती तो है। ये बहुत अच्छा शेर है, ये जो निराश रहते हैं लोग, हमको कुछ हासिल नहीं हुआ जीवन में संघर्ष में, उनके लिए उनको राह दिखाने वाला शेर है कि दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो ना हो आकाश की छाती तो है। और एक गजल इसमें और कहना चाहता हूँ, इस रास्ते के नाम लिखो एक शाम और, या इसमें करो रोशनी का इंतजाम और। और दूसरी, हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए,
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, वो कहीं भी लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये वो शेर है जो आदमी को समय से समय की जो धारा बहती है उसके विपरीत लड़ने के लिए प्रेरणा देते हैं जी, उम्मीद देते हैं, भरोसा देते हैं जी। अब कुछ एक दो लाइनें आप उन पर भी उनकी कुछ बता दें जो उन्होंने प्रेम पे कही हैं। देखिए सबसे उम्दा कविता उनकी गजल तो वो है, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, तुम किसी रेल सी गुजरती हो मैं किसी पुल सा थर थराता हूँ, और एक जंगल है तेरी आंखों में मैं जिसमें राह भूल जाता हूँ। और इतनी प्रेम की जबरदस्त अभिव्यक्ति के साथ ही इसी गजल में कहते हैं वो, हर तरफ ऐतराज होता है मैं जब भी रोशनी में आता हूँ, एक बाजू कट गया जब से और ज्यादा वजन उठाता हूँ। देखिए आप ग्रेट, एक मतलब कल्पना प्रेम कंट्रास्ट देखिए, वो कंट्रास्ट देखिए, एक ही गजल में दो बातें कह दी उन्होंने। है वो यहाँ अनिल जी मुझे डॉक्टर ताराप्रकाश जोशी याद आते हैं जी। जोशी जी अक्सर बातों बातों में ये बात कहते हैं कि जिसने कभी रोमांस नहीं किया वो कभी क्रांति भी नहीं कर सकता। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ये इनकी जो वो है, एक गजल का और थोड़ा सा, मैं तुमको निहारता हूँ सुबह से रितम भरा, अब शाम हो गई है मगर मन नहीं भरा, लंबी सुरंग सी है तेरी जिंदगी तो बोल, मैं जिस जगह खड़ा हूँ वहाँ है कोई सिरा, है कोई सिरा, क्या सवाल किया अपनी उनकी उनकी जीवन में रही होगी उससे, क्या सवाल किया कि लंबी सुरंग सी है तेरी जिंदगी तो बोल, मैं जिस जगह खड़ा हूँ वहाँ है कोई सिरा। जी जी चलिए, दुष्यंत पर बात करने के लिए समय मुझे लगता है कम है, लेकिन आज बस इतना ही। आप दोनों स्टूडियो में आए, दुष्यंत पर इतनी अच्छी बातें की, उनकी कुछ कविताएं हम दर्शकों को सुना पाए, उनके जीवन के बारे में कुछ बता पाए, इसलिए आप दोनों यहाँ आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे बाल तुम्हें मेरी याद दिलाने आएंगे, जाहिर है शब्दों की ताकत वक्त की ताकत से कहीं बड़ी होती है। दुष्यंत 44 साल पहले हमारे बीच से चले गए और दुष्यंत की गजलें तब से आज तक हर पीढ़ी गुनगुना रही है। तो ये थी ये था हिंदी गजलों के राजकुमार दुष्यंत पर हमारा खास कार्यक्रम। नमस्कार।